नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आजकल चार धाम की यात्रा पर काफ़ी लोग जा रहे हैं और जाने की तैयारियां भी चल रही हैं क्योंकि यात्रा शुरू हो गई है। तो प्रभु जी, मैं आपसे आज ये सवाल लेना चाहूँगा कि जब भी चार धाम की यात्रा पे जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सोच कर जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न विशाल जी आपने पूछा है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए चार धाम क्या है। तो शास्त्रों में तीन प्रकार के चार धाम की चर्चा होती है। एक चार धाम नहीं, तीन प्रकार के चार धाम। एक तो पहाड़ों के चार धाम है जिसमें दुनिया गर्मियों में जाती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। एक है भारत भूमि के चार धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी धाम। ये पृथ्वी के अंदर चार, भारत देश के चार धाम जहां पर भगवान विष्णु के अलग अलग लीलाएं होती है। बद्रीनाथ धाम में भगवान तपस्या करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में श्रृंगार करते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, अन्न क्षेत्र कहलाता है। तो ये चार धाम। तीसरे हैं चार धाम जिन्हें आध्यात्मिक चार धाम कहते हैं। उसमें क्या है, तीन धाम पृथ्वी पर है, एक धाम ऊपर है यानी वैकुंठ, उसको धाम जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उसी वैकुंठ की प्रतिछाया तीन रूप में पृथ्वी पर आई है। एक है श्री वृंदावन धाम, एक है श्री मायापुर धाम, तीसरा है श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो ये जो तीन धाम, ये और चौथा वैकुंठ, ये चार धाम है। तो ये तीन प्रकार के धाम हैं, तीन पहाड़ों, एक पहाड़, चार धाम पहाड़ों के पहला, दूसरा भारत के चार धाम और तीसरा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चार धाम। अब ये है कि किसी भी धाम में जाए, धाम में जाने से पहले कई सारी रूपरेखाएं, बहुत सारे नियम बताए गए धाम में जाने के। तो हमारे शास्त्रों में बहुत व्याख्या, बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही एक्सप्लेन्ड रूप में बताया गया है। जब भी हम लोग धाम यात्रा ले जाते हैं, लोगों को सारे नियम बताते हैं कि धाम में अपराध मत करना, क्योंकि दिल्ली में किया गया अपराध ऐसे है जैसे रेत के ऊपर पैर से निशान बना देना। तो जो पानी आएगा तो रेत का बह जाएगा तो निशान गायब हो जाएगा, लेकिन एक चट्टान पर, पत्थर पर आपने एक पत्थर लेकर दूसरा छोटे से नाम लिख दिया है ना, आप लिख दे विशाल, बड़ा सा सर्कल बना देते हैं ना लोग, लिख दे दिल बना देते हैं आके, है ना, वो सुनैना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो भी काजल लिख देते हैं लोग आकर, और वो बड़े बड़े, अब उसको मिटाओ, आप चौक का लिखा होगा तो मिट जाएगा, लेकिन पत्थर से पत्थर पर लिखा होगा तो नहीं मिटेगा। वज्र लेप कहते हैं उसको, वज्र के ऊपर वज्र से लेप, वज्र लेप, और वज्र लेप हो गया धाम में अपराध। यानी कि यहाँ शराब पी रहे हैं दिल्ली में, चलो भी गर्मी हो गई, गर्मी हो गई, बियर के कैन रख लो, जाएंगे केदारनाथ ठंड में पहाड़ी में, दर्शन भी हो जाएंगे बाबा के, गुफा में बैठ के पी भी लेंगे, बहुत बड़ा अपराध है धाम का। मांस खा रहे दिल्ली में, वहां गए बोले चल यार पैक कर ले, ठंडे में बैठ के गंगोत्री के किनारे, गंगा के किनारे खाएंगे, सुट्टा मारेंगे, ये करेंगे, ये काम नहीं करना चाहिए। धाम जाते वक्त भगवान के धाम है, भगवान ने बड़ी कृपा कर हम लोगों के उद्धार हेतु इन सब चीजों को, या तो भगवान ने स्वयं अपनी लीला करने के लिए इन धामों को प्रकट किया है। अब गंगा जी, भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली विरजा नदी का जल, उस जल का उपयोग स्विमिंग करने के लिए, राफ्टिंग करने के लिए, अरे वो हमारे खेलने के लिए नहीं है। उस जल को अंत समय में मुख में डालने से कहते उद्धार हो जाता है, छोटी मोटी चीज नहीं, चरण अमृत, भगवान के चरणों का अमृत है। उसको बड़े पूजन के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बोतल में ले आए तो पूजा करने के लिए इस्तेमाल करना है और उसको प्रणाम करना है, स्नान करने को मना ही नहीं है, लेकिन खेलो कूदो मत। गंगा जी को कैसा लगेगा हम माँ के ऊपर चढ़कर खेले ऐसे ऐसे करके, एक तरफ तो कह रहे हैं गंगा मैया, और फिर मैया के अंदर सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। धाम में जाकर के पहली चीज हमने कही, सम्मान करना चाहिए। दूसरा, मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, स्त्री पुरुष हनीमून बनाने के लिए धाम में ना जाएं। शादी के जोड़े सोचते पहला दर्शन करके आएंगे, दर्शन करो अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर के संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धाम में किया गया संग बहुत बड़ा अपराध है। धाम अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, पारिवारिक योजना को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उसके लिए आप कहीं और टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, लेकिन धाम। चौथी चीज है, धाम में प्लास्टिक फेंक देना है ना, खाना खाया पतले प्लास्टिक और इतना सारा पॉलिथीन। आप जाएंगे वहां पर पहाड़ों में या किसी भी धाम में जाएंगे, सामान खरीदेंगे आपको जूट में या फिर पेपर बैग में देते हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल आइटम होता है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलिथीन वर्जित है। सरकार ने मना किया फिर भी लोग दिल्ली से ले जाएंगे या छुपा कर ले जाएंगे टीन केन,
और उन वहां पर कचरा डाल करके आएंगे। सरकार कितनी भी कोशिश करे लेकिन जब तक समाज की वृत्ति नहीं बदलेगी, टेंडेंसी टू डू दी रॉन्ग थिंग्स, तब तक कुछ परिवर्तन नहीं आना है। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से ये विनती करता हूँ, किसी भी धाम में जाएं, वो क्यों जा रहे हैं, आप अपना पर्पस आपको पता होना चाहिए कि हम धाम में भगवान को प्राप्त करने, अपने उद्धार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए जा रहे हैं। वहां पर हमें कोई गलत काम नहीं करना है, एक तो करना ही नहीं चाहिए संसारी तरीके से भी, गवर्नमेंट के तरीके से भी, और अगर आप अपराध की दृष्टि से देखेंगे ना, आपको मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगी दोबारा अगर आपने धाम में अपराध किए। तो धाम में भक्ति भावना से जाएं और अपनी यात्रा सुखद बनाएं, ये मेरी कामना है। एक और क्लैरिटी चाह रहा हूं इसमें थोड़ी सी आपसे, जब ये मतलब धाम पे जाने की जब यात्रा शुरू होती है तभी से इस सबसे बचना चाहिए या धाम पे जाके ना करें? देखो शास्त्र में बोला गया है थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन, अगर दिमाग स्वच्छ होकर जाएगा यहाँ से तो फिर वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अगर दिमाग में कचरा लेके जाओगे आप तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ थिंकिंग में जो है वो एक दिन फीलिंग में आएगा, आपके मन में है कि इस स्त्री को उठाना है या इसके साथ मुझे भोग करना है, थिंकिंग में है, फीलिंग में आएगा, फिर विलिंग इच्छा आएगी, विल पीछे से फोर्स, कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वे ढूंढेगा आदमी मदिरा पीने का, कैसे कैसे परिवार को साइड करके मॉल रोड पे भेज दूं, मैं चुपके से अपनी पी लूं। आपके थिंकिंग को स्वच्छ करने का तरीका है हरि कथा सुनते हुए जाए, ग्रंथ पढ़े, वहां जाकर भगवत नाम का जप करें, जाकर के गंगा यमुना की आरती करें, स्नान करें, जो भी धाम में जाएं, रामेश्वरम जाएं, जैसे भी जाएं, वहां के किसी मेन पुजारी के संरक्षण में, किसी भक्त के संरक्षण में कथा श्रवण करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर लाते हुए और उन्हीं स्मरण के साथ पूरा साल आप यहाँ गुजारें, इस भावना से जाएं, अध्यात्म भाव से कथा सुनते हुए आएं, वहां से ऊर्जा लेकर और अपने आसपास के लोगों को प्रसाद बांटें, ऊर्जा बांटें, अच्छी बातें शेयर करें, ये करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स आपने सुना कि जब आप यात्रा को सोचते हैं तभी से आप अपने को जो प्रभु जी ने बताया उस तरह की गतिविधियों से बचाएं, और अब आपसे विदा लेते हैं क्योंकि आजकल यात्रा करना धामों के लिए बहुत लोग चाहते हैं और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपको उसका और ज़्यादा फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।